कौशाम्बी ऐतिहासिक स्थल के विकास का प्रोजेक्ट के लिए उपमहानिदेशक पर्यटक विभाग का दौरा। पर्यटक स्थल का विकास प्रोजेक्ट के लिए उपमहानिदेशक दिनेश कुमार, पर्यटक विभाग की टीम कौशाम्बी ऐतिहासिक क्षेत्र का निरीक्षण किया, जिसमें कौशाम्बी खास में निर्माणाधीन मल्टीपल पास हॉल, लाइब्रेरी, पर्यटक गेस्ट हाउस का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ प्रोजेक्ट में इंटर प्रोटेक्शन सेंटर, पार्किंग, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट, पक्की सड़क चौड़ीकरण और वन विभाग का सुंदरीकरण। कौशाम्बी खास से अशोक स्तंभ हो, सीताराम और राजप्रसाद किले तक सड़क और सड़क के किनारे सुंदरीकरण के लिए लाइट साउंड और लाइट शो भवन का निर्माण करना है, जिसमें लखनऊ से विशाल गुलाटी, प्रोजेक्ट ऑफिसर पीके सिंह, वन विभाग, क्षेत्रीय पर्यटन विभाग अधिकारी अपराजिता सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल आदि उपस्थित रहे। सहरसा जिले के पतरघट प्रखंड क्षेत्र के पस्तपार पंचायत के ढाड़ी बस्ती के वार्ड नंबर 9 में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट में बुरी तरह से जख्मी हरिनंदन मंडल की मौत इलाज के दौरान पटना के एक नर्सिंग होम में हो गई। इस मामले में पस्तपार पुलिस ने 2 अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, बाकी की गिरफ्तारी जारी है। जमीनी मामला था, इसमें मारपीट हुआ है, जख्मी हुआ, जख्मी के इलाज के क्रम में मृत्यु हुआ, इसको प्राथमिकी दर्ज कर 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है, बाकी कार्रवाई जारी। तो इन लोग का आरोप है जो, या जो 15 तारीख को भी आवेदन दिया गया था और डबल आवेदन 17 तारीख को भी दिया गया है इन लोगों के द्वारा। उसमें है कि वो परिवार को चाहिए था, मतलब कि अपना जो परिवार है उसको भाई के नाम से आया था, कि नहीं उनको जो लड़का है या पत्नी है वो सदस्य उनके द्वारा। तो क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई की एफ आई आर हुआ है, गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी जारी है कुछ लोगों को। आपका नाम? परशुराम दास, बसपा तीसरी प्रभारी। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के विकासखंड रिसिया के अंतर्गत ग्राम सभा रघुनाथपुर के ग्राम दर्शनपुरवा में ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी की मिलीभगत से स्वच्छ मिशन की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रोड पर जलभराव से ग्रामीण लोगों का आना जाना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 15 वर्षों से परेशानी हो रही है, कीचड़ और मलबे में चलने के लिए ग्रामीण मजबूर है। ग्रामवासियों ने प्रधान के ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों ने नाली और सड़क के नाम पर पैसा निकालकर अपने खाते में भर लिया है। दादी, आपके नाम का है? राजकुमारी। कहाँ के रहने वाली हो आप? दर्शनपुरवा। ये गांव में नाली बनी नहीं है, इस रोड पर आने जाने में काफी समस्या है। रोड पर देखा है मैंने, जल भराव है। हाँ। इससे आप लोग परेशान नहीं है? हाँ, बिल्कुल परेशान है। परेशान? कभी कोई प्रधान और धान से आपने शिकायत की? प्रधान, अगर आप लोग तो प्रधान से कहते हैं तो क्या कहते हैं प्रधान? वो कुछ बोलते नहीं है, वो चले जाते हैं, चले आते हैं, वो चले जाते हैं। कितने सालों से समस्या है दादी? ये साइगर समस्या 15 साल से है। 15 साल से समस्या है, मगर यहाँ कोई प्रधान प्रतिनिधि या कोई नेता मंत्री कोई भी देखने के लिए नहीं आता है? यहाँ कोई नहीं, गाँव था कि गाँव जाता है। अच्छा, आवास या शौचालय कुछ प्राप्त हुआ आपको? कुछ नहीं। कुछ नहीं प्राप्त हुआ? धन्यवाद। कहाँ पे लगता है? रिसिया लगता है। जनपद, तहसील, पोस्ट, मटेरा। ये गांव में किस तरीके से समस्या है? अरे गांव में का होते सब देखो, चहला वाला और रहा था, इमा कोई कार्रवाई नहीं होता है। अच्छा, चहला पानी। आपने इसकी शिकायत कोई प्रार्थना पत्र में दिया? प्रधान आए के सब पूरा लेटरिन खाई गई। अच्छा, शौचालय का पैसा खा लिया उन्होंने? हाँ। अच्छा, शौचालय आवास आप लोगों को कोई क्या प्राप्त हुआ है गांव में? कोई आवास नहीं है, पूरा लोग चार लोग पाई नहीं, बाकी सब ईटा सीटा दे है, बाकी कोई आइटम तो दे नहीं है। अच्छा, तो गांव में इतना चहला है मैंने देखा है, रोड से आने जाने में काफी समस्या है। कितने सालों से समस्या है? लगभग 15-20 साल से इसे चल रहा है। ऐसे ही चल रहा है जब से पुराने प्रधान बनाएगी। यहाँ प्रधान उधान आते हैं या नहीं आते हैं? प्रधान नया आवत है, कोई अधिकारी कर्मचारी पूछताछ करने का भी आता, कोई देखभाल? अच्छा, वो उधर ही आते हैं, प्रधान से मिलजुल कर चले जाते हैं। तो कितने सालों से समस्या है इस गांव में? 15 साल से। आप लोग इसी जर्जर रास्ते से आते जाते रहते हैं? मेन रास्ता यही है, मेन रास्ता यही है। धन्यवाद। आपके नाम का है? किस गांव के रहने वाले? दर्शनपुरवा। गांव में किस तरीके से समस्या है? समस्या तो यहाँ बहुत है, समस्या सड़क से आते जाते हो? घर का समस्या, सड़क का पूरा पानी भरा रहता है। नाली वाली बना है? सफाई कर्मी आता है कि नहीं आता है? सफाई नहीं आती। सफाई कर्मी नहीं आता है? आपने कभी सफाई कर्मी से या कोई बातचीत की? नहीं, उनसे तो नहीं की है जी। सफाई कर्मी कितने सालों से नहीं आया होगा? 8-9 साल से हमें दिखे नहीं रहा यहाँ पे कि है कि नहीं है। नाली वाली कुछ बनी हुई है इस गांव में? बनी नहीं हुई है। नहीं बनी हुई है। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार।
किस विकास खंड में आता है हीरा? ये दर्शनपुरा गांव पड़ता है। विकास खंड क्या लगता है? नगरातपुर। विकास खंड रिसिया लगता है। गांव में किस तरीके से समस्या है? गांव में पूरा चहला आया हो, बारिश होता है पूरा चहला हो जाता है। हम इतने चहले में जाते हैं। कभी आपने उच्च अधिकारी को या ग्राम प्रधान को शिकायत की इसके बारे में? शिकायत की है, प्रधान आते हैं बिस्किट खा के चले जाते हैं, कोई घूस दे देता है चला जाता है। अच्छा। और यहाँ हम लोग का घर भी बना है पूरा मड़ैया देखो ऐसा, इसी में हम लोग रहते हैं और कोई सुनवाई भी नहीं हो रहा है। अच्छा। इतने सालों से कम 15 सालों से ऐसे ही है। कोई सफाई कर्मी आता है यहाँ की? सफाई कर्मी क्या है, जब प्रधान ने नाली नहीं बनवाया तो सफाई कर्मी क्या करने आएगा यहाँ? अच्छा, इस गांव में नाली कोई नहीं बनी? कोई नाली नहीं है। कितने सालों से समस्या आ रही? कितने सालों से समस्या आ रही? समस्या लमसम 15-15 साल से है। 15 साल से समस्या। कार और ट्रक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर लगने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 3 घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया। डॉक्टर ने हालत नाजुक देखते हुए मेरठ को रेफर किया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और थाना बिजनौर शहर के बेराज रोड का ये पूरा मामला है। गाड़ी में कितने लोग थे? कौन सी गाड़ी? छोटी गाड़ी में। दो कैसी हालत है उनकी? अभी थोड़ा पता ले दोनों को क्या पता मुझे नहीं। एक अच्छा है बढ़िया बिजनौर के किरतपुर में गोक्षी के मुख्य आरोपी सपा नेता किरतपुर नगरपालिका के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान के समर्थन में सपा नेता उतरे। एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई। एसपी ने सपा नेताओं को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। सीजीएम कोर्ट अब्दुल मन्नान के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर चुकी है। आप लोग सभी लोग जानते हो कि कप्तान साहब से मिलने का विषय क्या था। कप्तान साहब से मिलने का विषय सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो छोटा मुकदमा चेयरमैन मन्नान साहब के ऊपर लगा है किरतपुर चेयरमैन के, उसके संबंध में हम लोग मिले कि ये छोटा मुकदमा है इसको खत्म कराएं। नौर नगर में शराबी सिपाही ने घंटों तक सड़क पर उत्पात मचाया। शराबी सिपाही सड़क पर नशे की हालत में घंटों तक रोडवेज चौराहे पर उत्पात मचाता रहा। सूचना पर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शराबी का मेडिकल कराया। एसपी ने शराबी सिपाही के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की है। एसपी साहब, एक सिपाही शराब पीकर रोडवेज पर पड़ा हुआ है, वर्दी में है, वो क्या कार्रवाई की जाएगी? एक आरक्षी जो बताया गया कि शराब के नशे में अशोभनीय ढंग से भव्य तरीके से बस अड्डे पर मिला है, उसे लाया गया है मेडिकल करा करके उसके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है।